नमस्ते इंडिया, शारदा चंद्र की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक कॉर्न। पालक कॉर्न के लिए हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें हम पालक डाल देंगे। इसे खुले में ही उबालेंगे। एक उबाल आने तक इसे हम पानी में पकाएंगे। पत्ते हमारे उबल चुके हैं, अब इसे हम इस पानी को छान लेते हैं। पत्तों को अब हम छलनी में छान लेंगे। अब इस पर हम ठंडा पानी डालेंगे जिससे इनका पकने का प्रोसेस रुक जाए और कलर वैसा का वैसा रहे। ये पानी हमारा जो बच गया है इसमें हम कॉर्न डाल देंगे जो कि सॉफ्ट हो जाएंगे। ढक्कन लगाकर रखते हैं। पालक को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है और दो आइस क्यूब डाल दिए हैं। अब इसे हम पीस लेंगे। पालक हमने पीस लिया है। ये मैंने मसाला तैयार कर लिया है। एक प्याज, एक टमाटर, एक हरी मिर्च, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 5 कलियां लहसुन की पीसकर घी में भून लिया है। अब इसे हम इससे ही पालक कॉर्न बनाएंगे। मेरा मसाला भुना हुआ है इसलिए मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है और इसी में मसाला डाल दूँगी। पालक हमने डाल दी है। अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। थोड़ी मिर्च, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि पालक डाली है इसलिए मसाले में नमक नहीं थी, उसमें भी थोड़े मसाले थे इसीलिए हम कम डाल रहे हैं। हरे धनिया की चटनी मिला देंगे जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। पानी में जो कॉर्न डाल कर रखे थे वो भी अब इसमें हम डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। वैसे तो पालक कॉर्न में पालक और कॉर्न ही डाले जाते हैं लेकिन मेरे को सब्जी थोड़ी बढ़ानी थी इसलिए मैंने 2 उबले आलू लिए हैं और उनको इस तरह से काट कर डाल दिया है। क्वांटिटी बढ़ाने के पर्पस से डाले हैं मैंने, वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम धीमी आंच पर खुला ही पकने देंगे। सब्जी को जितना गाढ़ा रखना चाहो तब तक पकने दें। इसे हम खुले में ही पकाएंगे और गैस को सिम करके रखेंगे। पकते समय 1 चम्मच देसी घी डाल दें, उससे स्वाद अच्छा बनेगा। सब्जी हमारी रेडी है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च छोटी, गैस बंद कर दें, लाल मिर्च। तड़का हमारा रेडी है। तड़का लगा देंगे। पालक कॉर्न सब्जी हमारी रेडी है। और सर्व करते समय इस पर क्रीम डालें या मक्खन डालें? मेरे पास क्रीम है तो मैं इस पर थोड़ी सी क्रीम भी डाल दूंगी। हमारी पालक कॉर्न सब्जी एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एकदम लाजवाब सब्जी आप खाइए, लच्छा पराठा के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू।